चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए, हमें 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चौरी चौरा की घटना से ख़त्म होने पर 1930 12 मार्च डांडी मार्च की शुरुआत होने तक आना था। हमने आपको कई टॉपिक कराए इन बिटवीन, और आज आपको पता चलेगा कि क्यों कराए थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यूजुअली किताबों में बहुत पहले आ जाता है, एग्जैक्टली गांधीयन एरा में आ जाता है, लेकिन हमने तब कवर नहीं किया। हमने स्वराजिस्ट कवर कर दिया, हमने अदर रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज़ कवर कर दी, हमने सोशलिस्ट कवर कर दिए, हमने कम्युनिस्ट कवर कर दिए, ट्रेड यूनियन पीजेंट यूनियन मूवमेंट्स कवर कर दी। आज हम कराने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको समझ आ जाएगा ऐसा हमने क्यों किया आज के लेक्चर में। तो चलिए, आज हम करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सारी जानकारी आज आपको दे देंगे, लेक्चर ध्यान से आपको सुनना है ताकि आप उनके नोट्स प्रॉपरली यहाँ पर बना सकें। आप जरा इधर आ जाइए, थोड़ी बात ज़्यादा बनेगी, मज़ा ज़्यादा आ जाएगा। आप ले लीजिए, अपना सामान भी ले लीजिए। हाँ, यहाँ बैठिए, इन्जॉय करिए, मेरा विज़न यहाँ ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हर चीज़ के ऊपर डिटेल में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है क्या, नाम तो बता दें, फिर आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे। कोई टॉपिक लिख करके रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि पॉइंट लिखा है और फिर माइंड एकदम पॉइंट की तरफ ही भाग रहा है। ना ना ना, ना। पॉइंट किसने लिखे? किताब ऑथर ने बनाई, ऑथर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जो उसे बेटर अंडरस्टैंड हुआ उस बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसने एक बुक बनाई ताकि आपको भी बेटर अंडरस्टैंड हो। अब हम क्या कर रहे हैं, वो पॉइंट्स हेडिंग्स लिख रही है, माइंड उधर ही जाके चिपट रहा है, भूल रहे हैं। चीज़ों को ऑर्गेनिकली समझो, सब जिंदगी भर याद। डांडी मार्च ऐसी लगेगी जैसे रोज सुबह मॉर्निंग वॉक है, लहू में रचबस जाएगी। 12 मार्च 1930, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी अपने साबरमती आश्रम के 78 साथियों को साथ लेकर के साबरमती आश्रम के अहमदाबाद हेडक्वार्टर से 240 मील का सफ़र तय करके पहुंचना चाहते हैं गुजरात के प्रत्येक गांव से होते हुए, जो भी उस रूट पे आएंगे। डांडी, डांडी है समुद्र के किनारे, वहां जाकर के इस तरह से वहां पर जो खड्डे खोदे हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता है और फिर वो एवेपोरेट हो जाता है और वहां नमक आता है, वहां से उसको नमक उठा करके पानी लेकर के पानी को बॉईल करके भाप उड़ा के जो बचेगा वो नमक बचेगा, इसे कहेंगे नमक बनाना। नमक बनाने की यात्रा वो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सरकार ने नमक पे टैक्स लगा दिया था और गांधी जी नमक बना करके सरकार के इस टैक्स की अवज्ञा करना चाहते थे। यही था सविनय, पूरे सादर निवेदन के साथ अवज्ञा कर देना। सिविल डिसओबेडियंस, किसी चीज़ को डिसओबे कर देना, तो ये गांधी जी ने किया। 12 मार्च 1930 की 78 लोगों के साथ शुरू की गई ये यात्रा 6 अप्रैल 1930 डांडी में जाके ख़त्म हुई। शुरू गांधी जी 78 लोगों के साथ हुए थे, लेकिन डांडी पहुँचते पहुँचते समस्त उस वक्त का भारतवर्ष उनके साथ था। और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि गांधी जी की ये डांडी मार्च, ये डांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से वापसी के बाद पेरिस की यात्रा है। मैं इसे उससे कंपेयर करता हूँ, इस तरह का हुजूम पूरे भारत में उमड़ा है। अंग्रेजी शासन को इसका अंदाजा तक नहीं था कि इतना हुजूम उमड़े। 78 लोगों को लिए चल दिया एक फकीर और पूरा भारत साथ खड़ा हो गया। सवाल उठ खड़ा होता है, गांधी को ये करना क्यों पड़ा? क्या इतनी छोटी सी बात होगी कि एक सरकार ने नमक के ऊपर कर लगा दिया और गांधी उठ खड़े हुए और कहते मैं अब नमक इस्तेमाल करूंगा, सारे कानून तोड़ूंगा, जबकि इसके पहले इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, एक से एक रेवोल्यूशनरी अरेस्ट किए जा रहे हैं, और फिर नमक ही क्यों चुना भाई? इतनी सारी चीज़ें थी, और भी चीज़ें चुनी जा सकती थी। तो पूरा माहौल समझना पड़ेगा कि इस दौरान हुआ क्या। चलिए बैकग्राउंड समझते हैं कि गांधी जी को यह कदम उठाना क्यों पड़ा। देखिए बैकग्राउंड क्या है, आप ये जानते हैं कि 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया था चौरी चौरा की घटना के बाद, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, इतनी बार बोलता हूँ कि ये दिमाग में पेटी हो जाएगा, वरना चौरा चौरी चीरा चौरा पता ही नहीं चलता, भूल जाते हैं सब,
फिर कहते एक दिन कुछ हुआ था चौरा छारे में, ऐसे नहीं बेटा, चोरी चौरा की घटना है ये। पुलिस वालों को मॉब ने जला दिया था क्योंकि पुलिस वालों ने पहले उपद्रव मचाया था। उसके बाद गांधी जी ने देखा वायलेंस हो गया तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन ख़त्म कर दिया। गांधी जी भी बाद में अरेस्ट हो गए थे। इसके तहत मास मूवमेंट देश में कमज़ोर पड़ गया था, बिखर गया था। खुद कांग्रेस के ही दो फैक्शन हो गए यहाँ पर। एक फैक्शन जो ये कहता था कि अब हम अंग्रेजी तंत्र को ख़त्म करने के लिए 1919 के कानून के तहत जो 3-3 साल पर चुनाव की प्रक्रिया रखी गई है उसमें हम चुनाव लड़ेंगे, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से हमने चुनाव का बहिष्कार किया था, अब हम चुनाव लड़ेंगे और अब हम एंटर होंगे जाके लेजिस्लेचर में और वहाँ जा कर के हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को रैक कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे, विफल कर देंगे, वहाँ हम लेकर के जाएंगे नॉन कोऑपरेशन को एकदम काउंसिल्स के अंदर। तो ये हो गए जो बदलाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये प्रो चेंजर्स, ये हो गए स्वराजिस्ट। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास में स्वराजिस्ट के तौर पर जाने गए। इन्होंने काउंसिल एंट्री प्रोग्राम शुरू कर दिया। जितनी सफलता इन्होंने सोची थी हम चाहेंगे उतनी इन्हें उस लेवल पर नहीं मिल पाई, तो एक लेवल पर स्वराजिस्ट मूवमेंट भी अपने डिजायरेबल रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रही थी, कमज़ोर हो रही थी, एक कारण ये था। इसके अलावा जो इनकी तरह बदले नहीं वो थे नो चेंजर्स, जो गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को विलेज लेवल पर ही वर्कआउट करना चाहते थे, जो काउंसिल में एंट्री नहीं करना चाहते थे, जो खादी को, विलेज अपलिफ्टमेंट को, किसानों की स्किल डेवलपमेंट को, इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे, कॉटेज इंडस्ट्री को। लेकिन ये नो चेंजर्स भी उस लेवल पर सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी हद तक जाति धर्म संप्रदायों में बटा हुआ था, और दूसरी बात फंड्स की कमी थी, ये दूसरी। तो नो चेंजर भी उस लेवल पर सफल नहीं हो पा रहे थे। तीसरा, अंग्रेज़ों के द्वारा जो एक तरीका अपनाया गया कि प्रोविंसेस में 1919 के कानून के तहत डायरेक्टली लागू कर दी गई, इससे लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बहुत बिगड़ी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हो पा रही थी कि भाई मैटर है किसके पास सही मायने में। और दूसरा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय जब असहयोग, जब नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत की गई, उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हुई। एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो गई कि किसानों ने ज़मींदारों को रेंट देने से मना ही कर दी, और एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो गई कि भाई आदिवासी लोगों ने जंगल में सत्याग्रह चलाया, उन्होंने कहा कि भाई जो जंगल के हमारे सदियों से चले अधिकार हैं उनको कानूनों के तहत दबाया गया था, हम उन कानूनों की अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं। इसके तहत अब हो ये गया फाइनली कि जो क्लास स्ट्रगल को अब तक अवॉइड किया जाता था, क्लास कोलैबोरेशन की बात की जाती थी, वो कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान क्लास स्ट्रगल्स हुए। जो नॉन कोऑपरेशन के दौरान कांग्रेस के कैडर ने, हिंदू मुस्लिम यूनिटी ने एक लेवल पर कंटेन कर लिया, लेकिन नॉन कोऑपरेशन ख़त्म होते ही, गांधी के मेन सीन से हटते ही, वो बड़े लेवल पर सड़क उभर करके आ गए सतह पर, और हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत ज़बरदस्त आपको पूरे भारत भर में नज़र आए। तो हिंदू मुस्लिम राइट्स का ये दौर है जिसने तकरीबन भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत कमज़ोर किया इस दौर के दौरान, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, गांधी की उस नॉन कोऑपरेशन की आइडियोलॉजी से डिसिल्यूजनड हुआ बहुत बड़ा एक वर्ग, जिसमें खास तौर पर युवा वर्ग आता था। वो युवा वर्ग एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ पॉलिटिक्स ढूंढ रहा है जिसके तहत वो फ्रीडम स्ट्रगल में एंटर हो और फ्रीडम स्ट्रगल को स्ट्रेंथन करे। उसको इस समय में उभर रही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने समर्थन दिया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रशिया रेवोल्यूशन, और उस रशियन रेवोल्यूशन यानी कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन से जिनमें समाजवाद की सोच, और वो समाजवाद की सोच के द्वारा भारत में समर्थन करना कम्युनिस्टों का, लेफ्टिस्टों का, तो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट टेंडेंसी भारत में जन्म ले रही है और इसने युवाओं को एक अच्छा अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया उस समय में। यही कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ने ट्रेड यूनियन और पीजेंट यूनियन मूवमेंट को भी समर्थन दिया। तो भारत में रेवोल्यूशनरीज की ब्रांच खड़ी हो रही है एक, ना तो उस लेवल पर शुरुआत में सोशलिस्ट हैं, ना कम्युनिस्ट हैं, ना ये लेफ्टिस्ट हैं। और जो हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हैं पूरे भारत में, तो जो कम्युनल लाइन के ऊपर पॉलिटिक्स सिधाई जा रही है, इनसे बिल्कुल उलट जा करके इन रेवोल्यूशनरीज में ये जो ब्रांच जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इन्होंने एक सेकुलर पॉलिटिक्स का रास्ता पकड़ा। कोई रिलीजियस लाइन पर लोगों को नहीं जोड़ना है किसी तरह से, पॉलिटिक्स से रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये सेकुलर सोशलिस्ट लाइन पकड़ करके आगे बढ़े। लेकिन ये डायरेक्ट एक्शन की बात करते थे, ये आर्म्ड रेवोल्यूशन की बात करते थे, मास स्ट्रगल की बात करते थे, बट हथियारबद्ध। तो ये एक थॉट ये पनप रहा था, ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। एक तरफ ट्रेड यूनियन मिलिटेंट होती चली जा रही थी, एक तरफ पीजेंट मूवमेंट भी अब ऑर्गेनाइज हो रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी स्ट्रेंथन हो रही थी एक लेवल पर, और कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट विंग स्ट्रेंथन हो रहा था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की वजह से। ऐसे में अंग्रेजी सरकार के द्वारा भी बहुत सारी दमनकारी नीतियाँ, जैसे 1928-29 के दौरान सरकार के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया जिसके तहत मास अरेस्ट करने की अनुमति थी,
लोगों को एग्जाइल करने की अनुमति थी, विदेश भेज देने की अनुमति थी। फिर ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया जिसके तहत ट्रेड यूनियंस किसी तरह से एजिटेशंस ना कर सके, प्रोटेस्ट ना कर सके, इसके प्रावधान रखे गए। तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के अगेंस्ट ही आपको पता होगा भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वहाँ पर बम गिराया था अपनी आवाज़ सुनाने के लिए। उस समय में इन्हीं बिल्स के ऊपर चर्चा चल रही थी, इन बिल्स की खिलाफत भी की थी उस समय महात्मा गांधी ने भी और कांग्रेस नेहरू ने भी। तो ये जो एक पूरा माहौल भारत में बना हुआ है, इस माहौल के तहत आपने देखा होगा कि दो साल पहले ही स्टैट्यूटरी कमीशन भारत बुला लिया जाता है, दैट इज साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का भारत आना, भारतीयों की एस्पिरेशंस को अटर डिसरिगार्ड करना, मैंने साइमन कमीशन के लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया, उसे जाकर के आप सुन लीजिए, दूरदर्शकों से मेरा निवेदन है। साइमन कमीशन के द्वारा भारत आना और भारत में डोमिनियन स्टेटस ना देना, क्यों? क्योंकि सेंट्रल लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात उसने नहीं की, प्रोविंसेस लेवल पर उसने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की, लेकिन उसमें भी उसने डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को दे दी, उसने कैमोफ्लेज कर दिया, जो प्रोविजन दिया उसको भी उसने नल कर दिया। इस तरह से साइमन कमीशन का वो ना सर्व करना जो भारतीय एस्पिरेशंस मांग रही हैं, फिर उसके अंदर भारतीयों का ना होना, साथ के साथ मेंबर वाइट होना, ये बहुत ही रिएक्शनरी रहा इंडियंस के एंड पे, इसने रिएक्शन क्रिएट किया और साइमन कमीशन ने ख़त्म पड़ चुकी उस नेशनल स्ट्रगल को, यूनिफाइड नेशनल स्ट्रगल को वापस से एक साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम किया, ये फिर से एक साथ आ गए। इसके तहत इसके रिएक्शन में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग हुई और नेहरू रिपोर्ट पोस्ट की गई, लेकिन उस नेहरू रिपोर्ट के तहत के अंदर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की रिफ्ट की वजह से, इनके कन्फ्लिक्ट की वजह से वो नेहरू रिपोर्ट इस लेवल पे सफल नहीं हो पाई। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14-point प्रोग्राम पेश कर दिया, इसके तहत इनमें कन्फ्लिक्ट है और फिर से ये वीक पड़ चुके हैं। और फाइनली अब कांग्रेस के अंदर जो सोशलिस्ट विंग बहुत स्ट्रांग है, उसका एजेंडा मजबूत है, और उसके तहत आप देखेंगे कि कांग्रेस अब गांधी को रिजॉर्ट करेगी दोबारा से, और गांधी अब एक मास स्ट्रगल की यहाँ पर संकल्प लेंगे, और इसी मास स्ट्रगल के तहत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको शुरू होता नज़र आएगा। तो ये सारी हमने जो संक्षेप में अभी ग्राउंड्स बताई हैं, इनके ऊपर हमारे डिटेल्ड लेक्चर हैं 1922 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद से, इनको अगर डिटेल में समझना है तो आप वो सारे लेक्चर सुनिए, फिर आपको ये संक्षेप में बताई गई, संक्षेप का मतलब यहाँ पर होता है ब्रीफ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि 99% लोग जब कोई चीज़ डिटेल में बताने जाते हैं और वो मुंह में गलत फहमी उन्हें रहती है, वो कहते हैं हम आपको अब पूरा ब्रीफ में समझाएंगे। तो कहीं आप भी ये गलती ना करते हो, ब्रीफ में समझाएंगे, ब्रीफ का मतलब होता है बहुत संक्षेप में समझाएंगे, जब हाथ ऐसे कर रहे हैं तो मतलब डिटेल में समझाएंगे। तो मैंने ये ब्रीफली समझाया है, ये बहुत संक्षेप में समझाया है, बहुत ही संक्षिप्त है, ये डिटेल वर्जन तो इसके लेक्चर्स में है। तो ये वर्ड सोच हिंदी में कुछ रहे होते हैं, बोलते कुछ हैं, ये कन्फ्यूजन। और जो बच्चे कमेंट करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो के स्पेलिंग सही कर लो यार, तकरीबन सबका कोई VIDIO, कोई VIDEO, कोई कुछ कर रहा है, वीडियो स्पेलिंग करेक्ट करिए, देखिए वो करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। अब हम शुरुआत करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, कि सही मायने में इस मूवमेंट के तहत होना क्या था और संकल्प क्या लिया गया। देखिए संकल्प ये है कि सीधी सी बात ये है कि कांग्रेस इस समय इस सोच के साथ खड़ी है कि भाई आपसे हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा, आपने वो डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम चाहते थे, जो फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको सेंटर में इस्टेब्लिश करनी थी, आपने वो नहीं की, जबकि आपने 1917 में सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया के भाषण में यह था कि हम आने वाले समय में भारत को एक कॉलोनियल स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस हम देंगे लाइक साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो आपने नहीं किया। इसके खिलाफ एक नाराज़गी थी, इस नाराज़गी में और तेल डला और घी डला कैसे, 1929 की घटना बताने जा रहा हूँ। 1929 31 अक्टूबर को उस समय के गवर्नर जनरल भारत के लॉर्ड इरविन ने दिल्ली में दिल्ली डिक्लेरेशन दे दिया, ये डिक्लेरेशन दे दिया कि मैं खुद भी साइमन कमीशन की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उससे उस लेवल पर सहमत नहीं हूँ, और भारतीय नदारद ना हो, नाराज़ ना हो, 1917 का जो वादा किया है उस वादे को निभाने के प्रयास पूरे किए जाएंगे, और एक कॉलोनियल स्टेटस आपको, एक डोमिनियन रिपब्लिक, एक डोमिनियन गवर्नमेंट आपको दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस आपको दिया जाएगा। इसके तहत उन्होंने मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में उस समय में मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर शपरू और विट्ठल भाई पटेल, ये चारों पहुँचे हैं। और ये दिल्ली मीटिंग उस समय में हुई है 31 अक्टूबर 1929 की दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद। लेकिन लॉर्ड इरविन के इस स्टेटमेंट के खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट नाराज़ हो गई, उन्होंने कहा कि भैया आपने इतनी बड़ी उनको वादा कैसे दे दिया, एक होप कैसे दे दी। इस स्टेटमेंट से पूरे भारत भर में एक होप जागृत हो गई,
लेकिन उनका कहना था कि भाई आपने ये होप उनमें कैसे जगा दी, आपको ये तो इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिटेलिएशन को देखते हुए इरविन ने फिर से पैर पीछे घसीटे, इसका एक और आउटबर्स्ट निकल करके आया, और ज़्यादा नाराज़गी हो गई भारतीयों के बीच में कि भाई आपका जो एक चेहरा आपने बना रखा है कि बस उस चेहरे के तहत आप ये बता देना चाहते थे कि भाई आप एक पैटर्नलिज्म की थ्योरी के तहत हम पर रूल कर रहे हैं, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। एक तरफ गवर्नर जनरल जैसे ही इस बात का जिक्र करते हैं वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट नाराज़ हो जाती है, ऐसे में गवर्नर जनरल अपना पैर पीछे खींच लेते हैं, इसने और ज़्यादा गुस्से का माहौल पैदा कर दिया। ऐसे में लगातार जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के ऊपर दबाव बना रहे थे, किस बात से? 1927 में जब नवंबर में साइमन कमीशन का गठन किया था, उस समय सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड बर्किन हेड ने, उसी समय में उसकी रिटेलिएशन में जब 1927 में ही दिसंबर में कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन वहाँ पर पास कराने का काम किया गया था। लेकिन उसके बाद 1928 में फरवरी में दिल्ली में जब साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाई गई, उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय किया गया कि भाई हम लोग अब ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हमें अपना एक काउंटर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करना है, कमेटी कैसे बनेगी, काम कैसे होगा। उसके तहत फिर बॉम्बे में मई में फिर से इनके बीच में मीटिंग हुई और उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने मई में बॉम्बे में एक कमेटी बनाई, नेहरू कमेटी। लेकिन इस नेहरू कमेटी ने यहाँ पर अब ये कर दिया कि इसने जो थीम बनाया, जो बेसिस बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करने के लिए, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी, डेट इज़ द डोमिनियन स्टेटस, इसकी कल्पना ले ली। तो नेहरू और बोस इस बात से ही नाराज़ थे पहले से ही, और उनका कहना था कि इस बात को आप इंडक्ट करिए कि इसको लेकर के आप चलिए। इस बात को इंडक्ट करने को लेकर ही फाइनली अब ये हुआ था कि जो 1929 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके तहत फिर नेहरू और बोस को अकोमोडेट करने के लिए वहाँ पर यह संकल्प लिया गया कि अगर सरकार ने 31 दिसंबर 1929 तक हमारी इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तो अल्टीमेटली फिर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ आएंगे, पूर्ण स्वराज की तरफ आएंगे, हम डोमिनियन स्टेटस के कंसेप्ट को छोड़ देंगे, और दूसरा कंट्री लेवल पर मास डिसोबीडियंस होगा, सिविल डिसोबीडियंस होगा, मास मूवमेंट होगा फिर पूरे भारत के स्तर पर। तो ये कंसेप्ट चला ही आ रहा था। इसी के बीच 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने थोड़ा मॉडरेट किया था माहौल दिल्ली डिक्लेरेशन देकर के, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको वापस लेने को कह दिया, वो दिल्ली डिक्लेरेशन वाले शब्द। तो फाइनली अब इस माहौल के अंदर बोस का, नेहरू का, समाजवादियों का एक दबाव है कांग्रेस के ऊपर, और गांधी जी के ऊपर भी एक दबाव है कि आप निकल करके आइए कि अब आप एक रास्ता, एक स्टेप अब अपनाइए, हम आगे चले, कांग्रेस का प्रारूप हमें बदलना होगा। और ऐसे में होती है लाहौर कांग्रेस सेशन 1929, लाहौर में कांग्रेस का सेशन, दिसंबर की ये कहानी है। और लाहौर कांग्रेस सेशन में आपको पता होना चाहिए कि फाइनली पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास हुआ, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे इस सेशन के, और गांधी जी यहाँ पर दबाव में हैं सुभाष चंद्र बोस के, जवाहरलाल नेहरू के और सोशलिस्टों के, और इसके तहत उन्होंने स्वीकृति दी है कि हाँ आप एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। और वो रेजोल्यूशन पास करने पर 31 दिसंबर लाहौर में ही 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने ट्राई कलर फहराया है, झंडा लहराया है। और उसी समय में ये गांधी ने ही कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि अब एक प्लेज प्रिपेयर की जाएगी, जो हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, हमारा शपथ पत्र तैयार किया जाएगा, जो 26 जनवरी को 1930 को पूरे भारत भर में रोटेट होगा, और मैक्सिमम लोगों का उस पर सिग्नेचर लेना है, मैक्सिमम लोगों को उसके साथ लेकर के आना है, ये होगा हमारा इंडिपेंडेंस प्लेज, इंडिपेंडेंस मैनिफेस्टो, 26 जनवरी 1930 इसके लिए निर्धारित की गई। और इसी को आगे फरवरी 1930 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इंडिपेंडेंस डे के तौर पर हर साल मनाया जाएगा ये तय किया गया। तो 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि इंडिपेंडेंस प्लेज साइन होना था पूरे भारत भर में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उस पर समर्थन लेना था, 1930 फरवरी में ही कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें दो बड़ी चीज़ें हुई। पहली बड़ी चीज़ ये हुई कि 26 जनवरी को माना गया कि हर साल अब इसी दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, और दूसरा ये कहा गया कि हम गांधी जी को ऑथराइज करते हैं कि वो मास मूवमेंट कर सकते हैं। तो कांग्रेस ऑथराइज कर रही है कि गांधी कैन लीड द मास मूवमेंट एंड द कांग्रेस विल सपोर्ट दैट मास मूवमेंट। ये बात समझ आई यहाँ तक? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं।
ऐसे में भी गांधी अभी भी एक मौका देना चाहते हैं लॉर्ड इरविन को कि इस तरह की मास मूवमेंट की तरफ उन्हें ना जाना पड़े। जब जनवरी में 26 जनवरी को ये मैनिफेस्टो, ये सिग्नेचर कैंपेन होना था इंडिपेंडेंस डे को लेकर के, इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन को लेकर के, मैक्सिमम लोगों तक कांग्रेस रीच करना चाहती थी कि राय शुमारी करेंगे कि लोग कितने इसकी सहमत में हैं, उसी दौरान साइमल्टेनियसली गांधी ये चाहते थे कि इस तरह का मास एजिटेशन अभी भी ना हो, क्योंकि गांधी फुली माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे थे। और गांधी ये चाहते थे कि इरविन के साथ मेरी एक बार फिर बातचीत हो, और उन्होंने इरविन को एक 11 सूत्री अल्टीमेटम इशू किया उस समय में, और ये कहा कि भाई आपको जनवरी एंड तक इस अल्टीमेटम के ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। जब इरविन का रिस्पॉन्स नहीं आया तो 41 दिन के इंतजार के बाद गांधी ने फाइनली 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च की शुरुआत की है। लेकिन गांधी के उस 11 सूत्री प्रोग्राम के खिलाफ इरविन का रिप्लाई जो आया तो वो नेगेटिव रिप्लाई आया, और जब इरविन का रिप्लाई नेगेटिव आया तो गांधी जी को इरविन ने ये कहा कि आपने बहुत ध्यान से मुद्दा चुना है नमक का, और आप वो तरीके और वो रास्ते अपनाना चाहते हैं जो वायलेटिव, जो गैरकानूनी। तो फिर गांधी ने कहा, मैंने झुके हुए घुटनों के साथ, टेके हुए घुटनों के साथ तुमसे रोटी मांगी यार, तुमने पत्थर चला दिया है, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, तो मैं क्या कहूँ। तो मैं जरा स्टेटमेंट्स पढ़ करके आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको पता हो कि पत्र व्यवहार में बातचीत क्या होती, क्योंकि जब जनरल स्टडीज़ में आप क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चन सीधे सीधे स्टेटमेंट डाल दी जाती है और आपको कह दिया जाता है कि इलैबोरेट, और फिर आपको उसे इलैबोरेट करना होता है। तो देखिए, पेज बलेंड में थोड़ा समय लग रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अधीर नहीं होंगे। हाँ, वो कह रहे हैं, गांधी कह रहे हैं इरविन से, जब 11 सूत्री प्रोग्राम वो उन्हें देना चाह रहे हैं कि भाई इसको मान लीजिए, किसी तरह की एजिटेशन नहीं होगा, कोई मास कैंपेन नहीं होगा, वो कह रहे हैं, बट इफ़ यू कैन नॉट सी योर वे टू डील विद दीज इविल्स एंड माई लेटर मेक्स नो अपील टू योर ईयर, आई शैल प्रोसीड विद सच को वर्कर्स ऑफ द आश्रम एज आई कैन टेक टू डिसरिगार्ड द प्रोविजन ऑफ द सॉल्ट लॉस। आई रिगार्ड दिस टेक्स टू बी द मोस्ट यूबिकेटस ऑफ ऑल फ्रॉम द पुअर मैन स्टैंड पॉइंट्स। इरविन क्या कहते हैं, कंटेम्पलेटिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन विच वॉज क्लियरली बाउंड टू इन्वॉल्व वायोलेशन ऑफ लॉ एंड डेंजर टू द पब्लिक पीस। गांधी का रिप्लाई करते हैं, ऑन बेंडेड नीज I asked for bread and received a stone instead. The English nation responds only to force and I am not surprised by the viceregal reply. वो साफ साफ कहते हैं कि भाई जो अंग्रेजी शासन है इसे सिर्फ शक्ति समझ आती है, ये सब शक्ति को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ बेटा, अब गांधी जी ने 11 सूत्री प्रोग्राम जो रखे क्या मांगे समझ लें। गांधी जी के 11 सूत्री प्रोग्राम में पहला पॉइंट ये था कि जो इंडियन रुपी और जो पाउंड स्टर्लिंग के बीच में जो डिफरेंस है, जो रेशियो है, इसे घटाइए। क्या होता था, आज आप लोग चाहते हैं, जब आप लोग बाहर जाते हैं विदेश, आप लोग बाहर से पाउंड भेजते हैं, आप बड़े खुश होते हैं कि वाओ 90 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का, एक पाउंड के इतने रुपए बन जाएंगे, ये उनके लिए तो अच्छा है जो बाहर बैठे हैं। लेकिन अब 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, एक ज़माने में भारत यह प्रयास कर रहा है, भारतीय प्रयास कर रहे हैं कि ये रेशो कम हो। ये रेशो कम होने का मतलब उस समय में क्या था, मेजॉरली भारत में यूरोपियंस एज अ हाई कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट के तौर पर काम करते थे, एज एन आर्मी मैन, एज एन जुडिशियल बॉडी, और उन्हें जो सैलरीज एलोकेटेड हैं वो एलोकेटेड हैं वाया पाउंड। लेकिन पाउंड के कंपैरेटिवली रुपए की कीमत जो आपने रखी हुई है डाउन, तो रुपए की बहुत भारी निकासी होती थी भारत से, जबकि सही मायने में मार्केट मैकेनिज्म के मुकाबले देखें तो रुपया कमज़ोर नहीं था पाउंड के कंपैरेटिवली इतना, समझिए इस बात को। तो आज़ादी के समय में आपको लगभग ये दोनों बराबर बराबर दिखेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, आप जब भारतीयों से रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं, वो रेवेन्यू को जब आप पाउंड में इक्वेट कर रहे हैं तो वो बहुत भारी पहुंच जा रहा है। फिर जो रेलवे का इन्वेस्टमेंट हुआ, जो टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट हुआ, टेलीग्राफ में, इंडस्ट्री में, इन सबको आपने रिटर्न प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको इतना रिटर्न इंडिया में इन्वेस्ट करने में मिलेगा, वो सब पाउंड में तय होता था, और भारतीय रुपए को कमज़ोर रखने से निकासी बहुत ज़्यादा होती थी। ये सारे ही तरीकों से भारत का इकोनॉमिक ड्रेन बहुत घातक हो रहा था। तो बोला कि पहले स्टर्लिंग रुपी का रेशियो सेटल करो, ये पहली बात। दूसरी बात, जो लैंड रेवेन्यू है, फार्मर के विषय में बात करनी थी,
लैंड रेवेन्यू को लगभग आधे से कम करो, जितना इस लेवल पर चल रहा है, जो इस समय लैंड रेवेन्यू चल रहा है उसका हाफ से रिड्यूस कर दो, हाफ कर दो। आई बात समझ में? दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो इस समय में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मोस्टली यूरोपियन है, मतलब कि जो भी हाई ऑफिशियल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है भारत में, उसके ऑफिसर्स की सैलरीज हाफ कर दो और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी रिड्यूस कर दो। आर्मी एक पॉइंट पे तो जा करके बहुत रिड्यूस की जाएगी, लेकिन अभी के लिए आर्मी से जुड़े खर्चे आधे कर दो। एक पॉइंट पे जा करके बहुत कम करने हैं, अभी के लिए आधे कर दो, आर्मी से जुड़े हुए खर्चे आधे कर दो, रेवेन्यू आधा कर दो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हायर ऑफिसर की सैलरीज आधी कर दो, उनकी स्ट्रेंथ को भी अब घटाना शुरू करो, आप उस लेवल पर आगे नहीं बढ़ा सकते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया की, तो पहले पीजेंट के लिए किया रेवेन्यू, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका, उसको प्रोटेक्शन दो। ब्रिटेन से जो भी भारत में आ रहा है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप प्रोटेक्शन देने का काम करो। सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट CID, या तो इसको ख़त्म कर दो और या इससे सरकारी इंटरफेरेंस को बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये सरकारी एजेंसी की तरह काम ना करे, ये CID ही है जिसे जगह जगह भेज करके, चाहे ट्रेड यूनियन में, चाहे पीजेंट मूवमेंट में, चाहे कांग्रेस की मीटिंग्स में, आप सारी अंदरूनी जानकारियाँ निकालते हैं और फिर उन एक्टिविटीज़ को क्रश करने का काम करते हैं, तो इसे फिर आप ख़त्म कर दीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों को आपने प्रोटेक्शन देने की बात की कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दीजिए, चाहे फिर वो किसी तरह की पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर बंदिश है तो CID को आपने कहा कि बात ख़त्म करिए या फिर इसे सरकारी कंट्रोल से बाहर निकालिए। जो राजनीतिक अपराधी, पॉलिटिकल प्रिजनर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो मूवमेंट में हैं, उनको अरेस्ट किया गया था, उनको कहा गया कि फ्री करिए, और जो लोग विदेशों में एग्जाइल में बैठे हैं उन्हें भारत आने की अनुमति दी जाए, इसकी बात की गई। रेवेन्यू मैंने बताया आधा करिए, तो खर्चे जितने भी क्षेत्रों में हैं अलग अलग, उन्हें कम करने की उस समय में बात आपने रखी। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट है तो हम देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट कोई भी यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। लैंड रेवेन्यू, सैलरीज, मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इन सब चीज़ों का दम रखा। और सारी मूवमेंट तो केंद्रित थी साल्ट टैक्स पे ही, कि नमक के ऊपर जो कर है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि गांधी जी ये मानते थे ये सबसे हीनस क्राइम है अंग्रेज़ों के एंड पे सॉल्ट पर टैक्स लगाना। अभी क्यों मानते थे तो मैं अभी आपको बताऊँगा। ऐसे में गांधी जी के द्वारा जब ये 11 सूत्री मांग रखी गई, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल गांधी जी के खिलाफ कांग्रेस से ही उठने लगे। गांधी जी के समर्थक भी इस चीज़ से सवाल पूछने लगे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते बताए गए हैं, वो ये कहते हैं मुझे समझ नहीं आया कि ये अल्टीमेटम क्यों रख दिया भाई, 11 सूत्री ये क्या अल्टीमेटम था, जब एक तरफ हमने 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन ले लिया, जब एक तरफ हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में कैंपेन हो रहा है, ऐसे में अब ये मांगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस को रिप्लेस करने को लेकर के हैं क्या? और अगर ये मांगे ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, तो ये तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो नज़र नहीं आ रही इसमें, तो अंग्रेजी तंत्र वहीं का वहीं रहेगा। सिर्फ आपने उस अंग्रेजी तंत्र की जो कुछ थोड़ी बहुत कुरीतियाँ हैं इमीडिएटली उसे करेक्ट करने की बात की है, उद्योग धंधों को सर्व करने की बात कर दी है आपने, लेबर को प्रोटेक्ट करने की, पीजेंट को प्रोटेक्ट करने की, सिविल सर्विसेज खर्चे घटाने की बात आपने कर दी। लेकिन हमारा तो मेन एजेंडा ये है कि जब हमें अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी तंत्र ही नहीं चाहिए भारत में, तो फिर हम उनसे सुधार क्यों मांग रहे हैं? लॉजिक समझ रहे हो आप जवाहरलाल नेहरू का? वो ये कह रहे हैं कि जब हमें अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी तंत्र ही भारत में नहीं चाहिए, तो सुधार हम उनसे क्यों मांगे? हमें तो उसे ही उखाड़ फेंकना है और उसके बाद एक तंत्र हमारा होगा, भारतीयों का होगा, और फिर हम उसके मुताबिक जो हमें वाजिब लगता है वो सुधार हम यहाँ पर लागू करेंगे। ऐसे में हम उनसे ये क्यों मांग रहे हैं? तो वो ये कह रहे थे कि ये गांधी जी का एक तरह का डेविएशन था। लेकिन फाइनली जब इरविन इस बात से सहमत नहीं होते, वो गांधी जी की स्ट्रेंथ को उस समय कम आंक गया, जब वो इस बात से सहमत नहीं होता, तो अल्टीमेटली मास कैंपेन 12 मार्च 1930 में गांधी की दांडी यात्रा शुरू होती है, और जब वो फाइनली 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके नमक बनाते हैं, तो वो दिन हुआ है असली जिस दिन पूरे नेशन वाइड सिविल डिसओबीडियंस, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, और फिर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोगों ने उस दिन के लिए कई तरह के कानूनों की अवहेलना की। वो किस तरह के कानूनों की अवहेलना की है, वो क्या प्रोग्राम था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले एक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पर कि भाई खास तौर पर नमक को ही क्यों चुना गया इस मौके पे? देखिए, गांधी ये बात जानते थे कि देश के स्तर पर मुद्दा ऐसा चुना जाना चाहिए जो रिलीजियस बैरियर को भी क्रॉस कर जाए, जो अर्बन रूरल बैरियर को भी क्रॉस कर जाए, किसी तरह के भेद जिस मुद्दे में ना हो, कि लोग उस मुद्दे पर विभाजित ना हो जाए। इसके लिए नमक एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जैसे
आप किसी भी धर्म के हैं, नमक बुनियाद है, नमक आप खाएंगे। तो इसलिए इस मुद्दे पर एक साथ आने के लिए आपको आपका धर्म रोक नहीं सकता था। दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, आप किसी भी क्लास से हों, अमीर और गरीब, नमक सबकी आवश्यकता है, सभी खाएंगे। आप किसी भी कास्ट से हों, नमक सबकी आवश्यकता है, सभी खाएंगे। आप गांव के हों या शहर के हों, आप अगड़े वर्ग के हों या पिछड़े वर्ग के हों, नमक सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक सोशल यूनिटी, एक रिलीजियस यूनिटी, एक क्लास कोलैबोरेशन नमक के मुद्दे पे नज़र आता था। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, नमक भारतीयों की कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए भी बहुत बड़ा आधार था। भारत में नमक केवल एक खाने की वस्तु नहीं मानी गई है, वो भारतीय चरित्र, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ रहा है। सदा आपने एक लाइन सुनी होगी कि मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की नमक हरामी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया। तो नमक नमक हलाली का मुद्दा है, नमक हरामी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में नमक आपके ह्यूमैनिटेरियन स्टांस का, आपके कल्चर का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, आपकी लॉयल्टीज़ का एक प्रतीक है। आपके आपकी मानसिकता का स्तर क्या है, इसका प्रतीक है। ऐसे में नमक के मुद्दे पर सबको अवेकन करना, कॉन्शियस करना, ये बहुत बड़ी बात थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नमक सही मायने में भारत में अगर कोई चीज़ किसी को प्रभावित करती उस वक़्त में, तो वो नमक और तेल था। नमक और तेल इतने बुनियादी हैं कि इनके बिना जीवन, किसी तरह से जीवन यापन हो ही नहीं सकता। और गरीबी को देखते हुए नमक लोगों का बनाने का अधिकार, नमक के ऊपर लगाए गए सरकार के कर और नमक के ऊपर सरकार की खुद की मोनोपोली। एक तो सरकार ही नमक बनाएगी, ये है मोनोपोली। दूसरा, अगर कोई बना गया तो उसके ऊपर हैवी कर लगेगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात, जब आप जिसने बनाया उस पर कर लगेगा। तीसरी बात, नमक पे ही कर लगा दिया। तो नमक पे कर लगाने का मतलब कि नमक सब खाते हैं। ऐसे में आपने कर नमक पे नहीं लगाया, आपने कर पोल पे लगा दिया। पोल माने प्रत्येक व्यक्ति। आप वोटिंग बूथ पे जाते हैं तो पोल बूथ पे जाते हैं ना एक तरह से। तो इस तरह से अफ्रीका में जब गांधी किसी ज़माने में कैंपेन कर रहे थे, उस समय में अफ्रीकी सरकार वहाँ पोल टैक्स लेकर के आई थी, यानी कि प्रति व्यक्ति कर लगाएंगे, नहीं देखेंगे कि इसकी इनकम क्या है, नहीं देखेंगे इसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, नहीं देखेंगे कि यह फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं, इसका ओरिजिन क्या है, बस पर पर्सन टैक्स, इसे पोल टैक्स कहते हैं। तो नमक कर एक तरह का नए ज़माने का पोल टैक्स था। और गांधी तो 1890s में ही पोल टैक्स के खिलाफ इस लेवल पर अफ्रीका में कैंपेन कर चुके थे कि वो भारत में इस तरह के पोल टैक्स को स्वीकार नहीं कर सकते थे। ऐसे में गांधी ने इस मुद्दे को इसलिए भी चुना कि यह एक मुद्दा है जो सही मायने में मास कैरेक्टर रखता है, कि ये पोल टैक्स है, हम इसे इस तरह से प्रचलित करेंगे, पॉपुलराइज करेंगे कि दिस इज़ द पोल टैक्स, और फिर पोल यानी कि मासेस के मासेस ही हमारे साथ आएंगे। तो गांधी जी के विषय में इरविन फिर इसलिए कहता है कि तुमने मुद्दा बहुत ध्यान से चुना, तुम्हें पता है इस मुद्दे से वीकर सेक्शन को साथ जोड़ोगे, ये रूरल और अर्बन दोनों एरिया में एक इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, कोस्टल एरिया से लेकर के इनलैंड इकोनॉमी तक इसका इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात इसमें, इसके कोर में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो गांधी अब तक नहीं कर रहे थे। अगर आप 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंपेयर करेंगे तो आपको एक अंतर बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगा। 1930 के इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सभी ने अवज्ञा पहले दिन से ही किया गया, यानी कि कानून तोड़ने का नियम पहले दिन से रखा गया है। जबकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सदा बहस इस बात की रही थी कि हमारे इस असहयोग आंदोलन के कैंपेन में कानून तोड़ने का कैंपेन भी रखना है क्या। तो ऐसे में उस डिबेट का कभी हल मिल नहीं पाया था प्रॉपर। लेकिन इस बार गांधी स्वयं कानून तोड़ रहे हैं, और कानून तोड़ने की ये जो एक धारणा उस समय में विकसित हुई, इसने लोगों में एकदम से एंथुसिज्म पैदा कर दिया कि हमें अंग्रेजी तंत्र को यदि डिफाई करना है तो अंग्रेजी तंत्र के बनाए कानूनों को ही हमें तोड़ना है। और गांधी का नमक को चुनने का यहाँ पर आधार ये था कि अंग्रेजी सरकार लंबे समय से यह दावा करती आई थी कि हम माँ बाप हैं देश के, हम भारतीय गरीबों के समर्थक हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि 1905 के बाद स्वदेशी मूवमेंट के बाद, जब स्वदेशी मूवमेंट को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का समर्थन नहीं मिला था, सिर्फ अर्बन एलिटिस्ट और एजुकेटेड क्लासेस का ही उसे समर्थन था, इसके बाद से एक गतिविधि ये होने लगी थी कि अंग्रेजी तंत्र ने यह देख लिया था कि भारत में अब हमारे द्वारा पढ़ाए लिखाए गए जो वर्ग हैं, ये तो राजनीतिक अधिकार मांगने लगे हैं। सही मायने में अगर हमें किसी का समर्थन चाहिए तो हमें भारतीय गरीबों का माई बाप बनना होगा। तो गरीबों को हम अपने साथ लेकर के आए, उन्हें ये स्थापित कर दें कि कांग्रेस उनके हितों में नहीं सोचती।
मुस्लिम्स और हिंदू ब्राह्मण उनके हितों में नहीं सोचते, हम उनके हितों में सोचते हैं, हम उनको संरक्षण करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए अब देखेंगे लगातार रिजर्वेशन के प्रोविजंस भी कांग्रेस लेकर अंग्रेजी सरकार लेकर के आती रही। उनका एजेंडा उस समय में ये था कि जो सोशली इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड वीकर सेक्शन है भारत का, अब हम इसे बुलवार्क बनाते हैं, इसे अपनी ढाल बनाते हैं, इसे साथ में लेते हैं। और किसी भी तरह से गांधी को ये इमेज शैटर करनी थी कि किसी भी तरह से यहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट, एलियन गवर्नमेंट इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन के हित में कभी है ही नहीं, ये माँ बाप का स्तर रखती ही नहीं है। इसलिए गांधी ने यहाँ पर साल्ट टैक्स को पोल टैक्स से इक्वेट किया और पूरे भारत भर में जब इस कानून की अवहेलना उन्होंने की है, अवज्ञा उन्होंने की है, तो लोगों के अंदर ये चेतना उन्होंने पैदा कर दी कि सही मायने में मॉरल स्ट्रेंथ ही नहीं है ब्रिटिश रूल के पास। क्योंकि देखिए कानून, कानून की अवज्ञा आप कर रहे हैं, एक चीज़ को आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, गांधी जी कानून की अवज्ञा कर रहे हैं ये कह करके कि ये कानून मॉरली बैक्ड नहीं है, ये कानून के पीछे किसी तरह का नैतिकता नज़र नहीं आती। तो कोई अनैतिक बात, अनैतिक इंसान तो नैतिकता की बात नहीं कर सकता, गांधी किसी तरह का अनैतिक रास्ता अपना करके तो नैतिकता की धारणा नहीं दे सकते। ऐसे में आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि यहाँ पर गांधी जब कोई कानून तोड़ने जा रहे हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि गांधी का चरित्र यहाँ अनैतिक नहीं दिखना चाहिए। तो मुद्दा ऐसा उठाना ज़रूरी था जिस मुद्दे में पूर्णतः नैतिकता झलकती हो, और नैतिकता तब झलकती है जब वो मुद्दा सही मायने में हर धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय को पार पा जाता है और सही में वो मनुष्यता के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, ह्यूमैनिटेरियन स्टांस लेते हुए ही आप उस कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे में गांधी का यहाँ पर कानून तोड़ना एक सही मायने में प्रमाण था कि वो उस ब्रिटिश सिस्टम को डिफाई कर रहे हैं, उसकी अवज्ञा और अवहेलना कर रहे हैं जो इनह्यूमन है, जो पैटर्नलिस्टिक कहीं भी नहीं है, जो किसी तरह का माई बाप स्टेटस नहीं रखता। इसने लोगों को बहुत बड़ी उत्साह और एक उद्देश्य दिया, एक उनका उत्साह वर्धन कर दिया, एक एक्साइटमेंट दे दिया, एक एंथुसियाज्म दे दिया कि अंग्रेजी खिलाफ, स्वतंत्र के खिलाफ कानून तोड़ना जो है वो एक तरह से अनैतिक शासन के खिलाफ नैतिकता का प्रमाण है। हम नैतिक कदम ही उठाने जा रहे हैं, हम गैर कानूनी काम करने नहीं जा रहे, अदरवाइज लॉ तोड़ना अनलॉफुल है। लेकिन यहाँ पर अनलॉफुल लॉ को तोड़ना एक बहुत ही लॉफुल एक्ट है, ऐसा गांधी ने नमक के मुद्दे को प्रोजेक्ट करके साबित कर दिया। क्योंकि नमक बुनियादी ज़रूरत थी, जन्म के साथ ही इसका बॉडी को नीड है, नमक एक बुनियादी आधार है, नमक पे टैक्स नहीं हो सकता था, ऐसा गांधी उस समय मानते थे। और इसको जिसने भी लगाया है टैक्स, फिर वो अनैतिक है, उसका तंत्र अनैतिक, उसका कानून अनैतिक। ऐसी अनैतिकता को भंग करने और ख़त्म करने में आप कभी भी अनैतिक नहीं हैं, आप नैतिक ही हैं। इस तरह से गांधी ने नमक के साथ की अनैतिकता को ब्रिटिश रूल की अनैतिकता से इक्वेट कर दिया और फिर भारतीयों को एक तरफ लामबंद कर दिया कि इस अनैतिक शासन को आप अपनी नैतिकता से ख़त्म करिए। और नैतिकता इस समय यह है अनैतिकता झेलना नहीं, अन्याय को झेलना नहीं, और यह अन्याय है इसकी अवहेलना आप करिए। ये सारी कहानी आ गई, तो किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र, किस तरह से गरीब वर्ग, किस तरह से लोग सोशली पॉलिटिकली अवेकंड हुए इस इशू को लेकर के, कैसे उनकी इनर कॉन्शियसनेस नमक हलाली वाला कंसेप्ट जाग उठा कि गांधी बाबा के साथ अब नमक हरामी नहीं करनी। अगर उन्होंने हमारे हितों के लिए कानून तोड़ करके नमक बना दिया है अब, तो अब हमें अपना सर्वस्व झोंक देना है अपने नमक की अदायगी करने के लिए कि हमें इस कैंपेन और मूवमेंट के साथ अब लॉयली आना ही है। ये भी एक बहुत बड़ी फोर्स थी जो गांधी ने उस समय क्रिएट कर दी। इसलिए तो इरविन हिल गया, कहते तो बहुत पहुंचा हुआ काम कर दिया, नमक उठा लिया आपने मुद्दे के तौर पर। तो डांडी मार्च में नमक का विषय उठाना ये बहुत बड़ी बात थी। अब इस मूवमेंट में, कैंपेन में होना क्या था, मतलब 6 अप्रैल को जब गांधी ने वहाँ नमक बना दिया, तो इसके बाद पूरे भारत को क्या करना था। सबसे पहला कदम ये था कि पूरे भारत भर में आपको नमक बनाना है, तो नमक कानून तोड़ना है, नमक कानून की अवज्ञा करनी है, अवहेलना करनी है। दूसरा, जो भी सरकारी अफसर हैं वो सरकारी नौकरियां छोड़ेंगे और जो भी स्टूडेंट हैं वो सरकारी कॉलेज छोड़ेंगे। यानी कि इस तरह से ब्रिटिश सरकार को हम एक तरफ से नॉन रिस्पॉन्स करेंगे, नॉन कोऑपरेट करेंगे। तीसरा, नो टैक्स कैंपेन, टैक्स नहीं दिया जाएगा, रेवेन्यू भी नहीं दिया जाएगा और रेंट भी नहीं दिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्रिटिश वस्तु जितनी भी भारत आती हैं उनका बायकॉट किया जाएगा, सो बायकॉट ऑफ ऑल ब्रिटिश गुड्स। और भारत में किसी भी तरह से जितनी भी शराब की दुकानें हैं उन सबको पिकेट किया जाएगा, यानी कि उनके बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा, मैं बता दूँ, वो जो 11 सूत्री प्रोग्राम दिए थे उनमें एक सूत्र ये भी था कि पूरी तरह से भारत में ब्रिटिश सरकार इंटॉक्सिकेंट्स की प्रोडक्शन और सेल को बंद करे, उसमें एक प्रोग्राम ये।
बीच बीच में अगर कोई और अल्टीमेटम याद आता जाएगा तो मैं उसमें डालता जाऊँगा। तो इस तरह से ये एक प्रोग्राम बना कि शराब की दुकानें बंद करानी है, धरना देना है, नो टैक्स कैंपेन चलाना है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना है, सरकारी नौकरियां, सरकारी कॉलेज स्कूल छोड़ने हैं आपको, और सॉल्ट बना करके सॉल्ट के लॉ की अवहेलना आपको करनी है। ये प्रोग्राम अब पूरे भारत भर में चलने का काम होगा। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब ये गांधी जी ने किया तो रिस्पॉन्स क्या आया सरकार का? गांधी तो ये कर रहे हैं तो सरकार हाथ पे हाथ धड़ी तो खड़ी नहीं रहेगी, उधर तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो उसका भी आएगा। तो अब यहाँ पर सरकार का रिस्पॉन्स और भारत के स्तर पर कौन से ऐसे बड़े बड़े इवेंट हो गए जिसने सरकार को एकदम से ही विचलित कर दिया, और सरकार 1922 के नॉन कॉपरेशन के समय से बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अब रिप्रेसिव मेजर अपनाएगी। तो क्यों अपनाएगी, अब हम उसे समझते हैं। देखिए, अंग्रेजी सरकार इस बार ये भांप चुकी थी कि बहुत ही बड़े स्तर पर ये आउटबस्ट आने वाला है पूरी कंट्री लेवल पर, क्योंकि गांधी ने सीधे सीधे कानून की अवज्ञा करने के लिए कह दिया था। ये कोई मामूली बात तो नहीं थी, पूरे भारत के स्तर पर अगर इसे हम देखें इट वॉज अ बिग थिंग। गांधी जो कि अब तक एक कंप्लीट नॉन वायलेंट फुल रूल्स और लॉज के बीच रह करके नियम बनाने वाले शख्स, जब उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि मैं स्वयं जा करके नमक कानून की अवज्ञा करने वाला हूँ, तो पूरा भारत इस मामले में रुकने वाला नहीं था। ऐसे में अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस बार बड़े पैमाने पर अरेस्ट किए गए, शुरुआती दौर में ही 92,000 ने जेल भर दिया था। तो जेल भरो आंदोलन इस बार बहुत फास्ट और बहुत ह्यूमंगस था एज़ कम्पेयर टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुकाबले। पुलिस वालों का अत्याचार ब्रुटली सड़कों पर सरेआम नजर आया। उन निहत्ते बेकसूर शांतिप्रिय ढंग से सत्याग्रह करने वाले लोगों के ऊपर, और ये चीज़ पूर्ण रूप से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गई। अंग्रेजी सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम ने ही गांधी के उस कैंपेन को भारी समर्थन एकदम से दिलवाया जिस कैंपेन को शुरुआती तौर पर बहुत ही ठंडा सा रिस्पॉन्स मिल रहा था। शुरुआती तौर में उसको उस लेवल पर समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन जब गांव ग्रामीण स्तर पर अंग्रेजी तंत्र के तहत काम कर रही पुलिस का अत्याचार लोगों में नजर आया है, तो उस अत्याचार के तहत लोगों की सिंपथी उनके लिए जाग गई कि इन लोगों का दोष ही क्या था, कसूर क्या था। ये जो माँ बाप चेहरा लेकर के अंग्रेजी तंत्र खड़ा है, ये तो बहुत ही ब्रूटल है, ये तो किसी तरह से हमारे अधिकारों को लेकर के कुछ चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ऐसे में लोगों की इस सिंपथी ने बड़े पैमाने पर मूवमेंट को खड़ा किया, और अंग्रेजी सरकार इसको लेकर के और रिएक्शनरी रही और रिटेलिएटरी रही। मास अरेस्ट हुए और गांधी 1930 मई में अरेस्ट कर लिए गए। वल्लभ भाई पटेल 1930 मई में गांधी के साथ अरेस्ट कर लिए गए। अब यहाँ पर गड़बड़ यह है कि एक तरफ से आपने गांधी अरेस्ट करा दिए। अंग्रेजी सरकार हमेशा से एक नियम अपनाती थी, गांधी का जब कैंपेन होता था कांग्रेस कैडर के लोग अरेस्ट नहीं किए जाते थे। कारण, कांग्रेस कैडर के लोग ऑलवेज लोगों को गांधी के नियमों में रहना सिखाते थे कि नॉन वायलेंट रहना है, अत्याचार नहीं करना है, पुलिस प्रशासन की बिल्डिंग और इन चीज़ों को नहीं तोड़ना है। ऐसे में वो एक तरह से अंग्रेजी तंत्र को इस बात की सांत्वना रहती थी कि जब जहाँ जहाँ ये कार्डर वर्क करता है वहाँ वहाँ पर संपत्तियों को और अंग्रेजी तंत्र को उतना नुकसान नहीं पहुँचता। लेकिन इस बार हुआ ये है कि अंग्रेजी तंत्र ने जो कांग्रेस का कार्डर है, जो नेता है, जो लीडरशिप है, उन्हें पहले अरेस्ट कर लिया। यहां से ये कार्डर वॉइड क्रिएट कर गया, वैक्यूम क्रिएट कर गया, गांधी अरेस्ट हो गए, पुलिस के ब्रूटल एक्टिविटीज़ अपसर्ज अब वायलेंट हुआ है। एक तो गांधी के हित में लोग वायलेंट हो गए कि गांधी अरेस्ट क्यों हुए। ऐसे में आप देखेंगे कि बॉम्बे के रीजन में सरकारी संपत्तियां, पुलिस थाने, पोस्ट ऑफिस सब कुछ तोड़ते हुए लोग नजर आए, तो ये वायलेंट भी हुआ। लोगों के अगेंस्ट ब्रूटल एक्टिविटी देख करके लोगों में सिंपथी आई, वो कंट्रोल नहीं हुए, पुलिस वालों पर भी आक्रमण इस मौके पर आपको देखने को मिलेंगे। और कांग्रेस कैडर जो कि रिस्ट्रेन कराता था लोगों को कि भाई आप वायलेंट एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो पहले ही आपने सफाया कर दिया, वो पहले ही आपने गायब कर दिया, उठा लिया। सही मायने में तीन बड़ी गतिविधियों से अंग्रेज भयभीत हो गए थे। पहली गतिविधि, इसी दौरान मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में, बंगाल के इलाके में होने वाली चिटागोंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी सूर्य सेन की अध्यक्षता में। तो ये 1930 का अप्रैल मई का ही महीना आपको याद होना चाहिए, उन लेक्चर्स में जाइए, वहाँ पर चिटागोंग आर्मरी रेड चल रही है। तो ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही है ईस्टर्न रीजन में, इसने पूरी तरह से अंग्रेजी तंत्र को हिला करके रख दिया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बड़ा रिस्पॉन्स मिला था सूर्य सेन के इस कैंपेन को, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो कि अब तक अचीव नहीं हो रही थी, ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम बहुलक इलाकों में ज़्यादा समर्थन मिला सूर्य सेन को। 3 साल तक वो गुरिल्ला वारफेयर प्रैक्टिसेस करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रहे, अंग्रेजी तंत्र उन्हें छू नहीं पाया। अंग्रेज इससे भयभीत हो गए कि इस तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी अगर हुई, आर्म्ड रेवोल्यूशन अगर हो गया भारत में, तो फिर तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट भारत में काम कर रहे थे।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसी समय में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रीजन में पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें नॉर्थ वेस्ट का गांधी भी कहते हैं, उत्तर पश्चिमी गांधी कहते हैं, जिन्हें डॉक्टर खान साहब भी कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पर लाल कुर्ती आंदोलन छेड़ दिया गांधी के समर्थन में, वो भी हाईली पीसफुल, कम्प्लीटली नॉन वायलेंट, खुदाई खिदमतगार आंदोलन इसे कहते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन, खान गब्दुल अब्दुल गफ्फार खान। अब ऐसे में वहाँ पर उनके इस पीसफुल मूवमेंट को सरकार ने रोकने का जब प्रयास किया, उसके खिलाफ भी लोगों की आवाज़ उठी, लेकिन अंग्रेज भयभीत से उस मूवमेंट को लेकर के, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, उन लोगों ने नए नायाब तरीके निकाले, सरकार ने प्रेस एक्ट ला करके प्रेस को बंद करना चाहा, उन्होंने न्यूज़पेपर प्रिंट शीट्स, मैगजीन्स, जर्नल्स इलीगली निकाल निकाल के लोगों तक पहुंचाए, उन्होंने पीसफुल लालटन एक गांव से दूसरे, दूसरे तीसरे लालटन जोत से जोत जगा दी कि गांधी के समर्थन करना है, लालटन से लालटन जगा दो। ये सारे नायाब तरीके उन्होंने निकाले बड़े लेवल पर मास कैंपेन। अगली गतिविधि शोलापुर, शोलापुर में जो वर्कर है, जो लेबर एसोसिएशन है, उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करके मिलिटेंट एक्टिविटी करते हुए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को डिसलॉज कर दिया। और आपको पता होना चाहिए कि शोलापुर में थोड़े समय के लिए इन लेबरर के द्वारा, इन वर्कर के द्वारा इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी गई। ये तीन गतिविधियों ने, जो कि फ्रीक्वेंटली अप्रैल से मई जून के बीच में हो गई, इसने पूरा हिला के रख दिया सरकार को, तंत्र को, और तंत्र इसकी परेशानी को झेलना नहीं चाहता था, इसलिए इस कैंपेन का एज कम्पेयर टू 1922 में यह देखिए कि जब तक चौरी चौरा नहीं हुआ था तब तक सरकार उतना आउटराइटली सप्रेसिव नहीं थी, लेकिन इस बार सरकार बिगनिंग से ही जेल भी भर रही थी, लीडिंग लीडर्स को भी उठा करके अंदर डाल रही थी, रिप्रेसिव मूड बहुत एक्टिवेट थे, क्योंकि सरकार ये मान रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत भारत फिसल जाएगा, और वो कॉन्स्पिरेसी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कि रशिया से होकर के आ रही है, जिसके तहत भारत में जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ट्रेड और लेबर यूनियन के माध्यम से अगर थोड़ा भी क्याओस हुआ जिसमें गांधी जैसी पार्टियों, गांधी जैसे नेता और कांग्रेस जैसी पार्टी का समर्थन मिला, तो फिर मशीनरी डिसलॉज हो जाएगी, एक पॉइंट पे इतना क्याओस हो जाएगा कि फिर गांधी की आवाज़ देने से और कांग्रेस के संभालने से भी ये संभलेगा नहीं, उस परिस्थिति का हम नारायण जाने नहीं देना चाहते, ऐसा उस समय में इनका मानना था। किनका मानना था? जिनकी हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजों का। अब एक लेवल पर ये एक्टिविटी चल रही है, अब आता है अगले स्तर पर कि सही मायने में अंग्रेजों पर प्रभाव डाला कैसे गया, अंग्रेजों पर प्रभाव कई स्तर पर डाला, और वो कैसे डाला। जब आपने बायकॉट का कॉल दिया कि भाई ब्रिटिश प्रोडक्ट बायकॉट नहीं, तो ब्रिटिश इंपोर्ट लंकाशायर मैनचेस्टर से आने वाला टेक्सटाइल इंपोर्ट हाफ हो गया, ये 1922 से कंपैरेटिवली में ज़्यादा बड़ा ब्लो था। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने चौकीदारी टैक्स देना मना कर दिया, तो ईस्टर्न रीजन में पुलिस वालों का मेन आमदनी का जरिया ही चौकीदारी टैक्स था, मना कर दिया, उनकी आमदनियाँ गई। तीसरा, आपने बड़े स्तर पर पुलिस वालों का और लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का सामाजिक बहिष्कार किया, समाज ने इन्हें गांव से तड़ी पार किया, मुंह लगाना बंद कर दिया, तो इन लोगों ने इस सामाजिक दबाव के अंदर आकर के बड़े स्तर पर अंग्रेजी तंत्र से रेजिग्नेशन देने शुरू कर दिए। इस चीज़ से अंग्रेजी तंत्र हिलने शुरू हो गया कि ये तो रेजिग्नेशन, मास रेजिग्नेशन आने शुरू हो गए। फिर दो पलटूने गढ़वाल राइफल्स की सेना की, जब उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रीजन में खुदाई खिदमतगार के तहत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे मुस्लिम समूहों के ऊपर अंग्रेजी तंत्र के ऑर्डर देने पर गोली चलाने से मना कर दिया कि नहीं, ये तो पीसफुल है, ये तो नॉन वायलेंट वे, इन पे गोली कैसे चला सकते हैं। ऐसे में अंग्रेज इनको बाद में इनके ऊपर कोर्ट मार्शल चलाया गया, इन्हें अरेस्ट किया गया, गढ़वाल राइफल को, लेकिन अंग्रेजी तंत्र हिल गया था, कहते सेना के अंदर राष्ट्रवाद आ गया भाई, एक बार सेना में अगर पैट्रियटिज्म आ जाए और सेना में नेशनलिज्म आ जाए फिर तो तंत्र गया। ये चीज़ ने इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो प्रत्येक स्तर पर आप देखिए, रेवेन्यू के मामले में नो टैक्स रेवेन्यू, जब नो टैक्स कैंपेन चल रहा था तो रेवेन्यू की कमी में, रेवेन्यू जबरदस्त वे में उस वे में कमा रखा है। नो रेंट कैंपेन चल रहा है, ज़मींदारों की आमदनियाँ भी उस लेवल पर हाम हो रखी हैं। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंडिया में इम्पोर्ट नहीं, अगर हो रहे हैं तो आप उसको जला रहे हैं, पिकेटिंग कर रहे हैं, वो नहीं। ज़बरदस्त वे में अल्कोहल की दुकानों के बाहर, जो कि अंग्रेजी सरकार की आमदनी का एक्साइज ड्यूटी मेन उनकी आमदनी का जरिया था, आपने इंटॉक्सिकेंट्स अल्कोहल की शॉप्स के बाहर पिकेटिंग करा दी तो सरकार की एक्साइज ड्यूटी पे सीधा अटैक। तो आप देखिए कई स्तरों पर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू कम हो रहा है, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कम हो रहा है, सेल कम हो रही है, एक्साइज वाया द पिकेटिंग ऑफ द अल्कोहल शॉप्स कम हो रही हैं, सेना धीरे 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 राष्ट्रवाद की चपेट में आ रही है, लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और पुलिस रेजिग्नेशंस दे रहे हैं, उनकी जो